हेलो फ्रेंड, आज मैं फिटर इंस्ट्रक्टर अशोक यादव जानदीप आईटीआई की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे टॉपिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस्ड कराऊंगा जिसका संबंध आपकी फिटर थियरी, इलेक्ट्रीशियन थियरी या आपके वर्कशॉप से है। आपको ये पता होगा कि मार्किंग करने के लिए एक ऐसे टूल्स का प्रयोग किया जाता है जो आपका पथ प्रदर्शन करता है। जब हम ड्राइंग के अनुसार अपने जॉब्स को बनाते हैं, उस समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी सतह को फिनिश करने के बाद मार्किंग मीडिया लगाते हैं। मार्किंग मीडिया जब अच्छी तरह से सूख जाती है, तत्पश्चात हम डिवाइडर या वर्नियर हाइट गेज के द्वारा मार्किंग करते हैं, अर्थात दी हुई ड्राइंग के अनुसार जॉब की फ्लैट सरफेस पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखाएं खींचते हैं। जब ये रेखाएं खींच लेते हैं हम, उस समय अगर जॉब की सरफेस पर अगला ऑपरेशन करना हो तो रेखाएं समाप्त हो सकती हैं, सरफेस से मिट जाएंगी और आपकी गाइडलाइन वहां से समाप्त हो जाएगी, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो रेखाएं खींची होती हैं, उन रेखाओं को अस्थायी बनाने के लिए हम एक ऐसे मार्किंग टूल्स का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है पंच। उसको क्या कहते हैं हम, पंच। पंच के नाम से उसको हम जानते हैं। अब बात आती है कि पंच हमारा किस मटेरियल का बना होता है। पंच हमारा किस मटेरियल का बना होता है, किस धातु का बना होता है? पंच जो है हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील का बना करके उसको हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। इसके पहले वाले टॉपिक्स में या इसके अगले वाले वीडियो में हमने बताया आपको हार्ड और टेम्पर क्या होता है। हार्ड और टेम्पर कर देने से इसकी लाइफ, इसका स्ट्रेंथ, इसकी हार्डनेस, इसका टेम्परनेस बढ़ जाता है। इसलिए हम जितने भी कटिंग टूल्स हैं या मार्किंग टूल्स हैं, सबके मार्किंग किए जाने वाले पार्ट्स को हम हार्ड और टेम्पर कर देते हैं। इसके बाद है आपका पंच की साइज। पंच की साइज कहां से लेते हैं? पंच की साइज, पंच की लंबाई, पंच की लंबाई और
उसके व्यास के गुणनफल से लेते हैं। कहां से लेते हैं? पंच की लंबाई और उसके व्यास के गुणनफल से लेते हैं। जैसे हम कह दें कि डॉट पंच, डॉट पंच 150 गुणे 1.2 मिलीमीटर, डॉट पंच 150 इंटू 1.2 मिलीमीटर। यहां पर 150 मिलीमीटर जो है ये पंच की क्या है? लंबाई है। और ए 1.2 मिलीमीटर जो है ये पंच का क्या है? व्यास है। इस तरह से फाइनली बात यह स्पष्ट होती है, क्लियर होती है कि पंच की लंबाई या पंच की साइज उसकी लंबाई और व्यास के गुणनफल से ली जाती है। जैसे यहां पर हमने लिखा है डॉट पंच 150 गुणे 1.2 मिलीमीटर, जिसमें 150 मिलीमीटर पंच की लंबाई है और 1.2 मिलीमीटर पंच का व्यास है। आगे चलते हैं हम। पंच के पार्ट क्या हैं? पंच कितने भागों से मिलकर बना होता है? तो यहां पर नंबर वन है इसका हेड। पंच का वह भाग होता है हेड जहां पर हम हैमर की चोट लगाते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं कि पंच के सबसे ऊपरी भाग जो होता है वो पंच का हेड होता है, जहां पर हम हैमर की द्वारा चोट लगाते हैं। नेक्स्ट है बॉडी। हैमर से उसके हेड पर चोट लगाते हैं और पॉइंट के द्वारा हम मार्किंग करने का काम करते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि हेड और पॉइंट के मध्य, हेड और पॉइंट के मध्य से मान लीजिए ये आपका पंच हो गया, ये इसका हेड हो गया, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? बॉडी। और इस पोर्शन को हम कहते हैं पॉइंट, और इस पोर्शन को हम कहते हैं हेड। ये तीन पार्ट हैं और ये बीच का जो भाग दिखाई देता है इसको हम बॉडी कहते हैं। बॉडी को नर्ली कर दिया जाता है, लेथ मशीन पर एक क्रिया की जाती है नर्लिंग टूल्स के द्वारा, ताकि हम किसी भी मार्किंग टूल्स को या मेजरिंग टूल्स को अपने हाथों के द्वारा घर्षण के साथ आसानी से पकड़ सकें। तो इस तरह से पंच का वह भाग जिसके द्वारा हम डॉट लगाने का काम करते हैं उसको पॉइंट कहते हैं, पंच का वह भाग जहां पर हम हैमर की चोट लगाते हैं उसको हेड कहते हैं, और पंच का वह भाग जो हेड और पॉइंट के बीच में स्थित है इस भाग को हम बॉडी कहते हैं जिस पर नर्लिंग की हुई होती है। तो इस तरह से ये पंच के हमारे तीन भाग हो गए। आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ पंच। वर्कशॉप में या हम अपने दैनिक जीवन में या व्यवहारिक लाइफ में या फिर फैक्ट्रियों में, इन सब जगहों पर ये निम्नलिखित पंचों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे पहला है यहां पे डॉट पंच, पहला है डॉट पंच, दूसरा है हमारा सेंटर पंच,
तीसरा है प्रिक पंच, चौथा ऑटोमेटिक पंच, हालो पंच, पिन पंच, बेल पंच, सॉलिड पंच और नंबर पंच एंड लेटर पंच। इसको हम थोड़ा से और क्लियर कर देते हैं फिगर्स के द्वारा। नंबर पहला था हमारा डॉट पंच, फिगर में स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या है, डॉट पंच है। अभी अभी हमने आपको बताया कि इस पोर्शन को क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, और इस पोर्शन को क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। अब तो बात स्पष्ट हो गई होगी कि जो पंच हमारा है उसका हेड कहां पे है, उसकी बॉडी कहां पे है और उसका पॉइंट कहां पे है। तो ये एक ऐसा पंच है जो हम अपने वर्कशॉप में अस्थाई की हुई मार्किंग को अस्थाई बनाने के लिए करते हैं, और इसका पॉइंट एंगल सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इस पंच का पॉइंट एंगल जो है 60 डिग्री होता है। अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इस पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री है, और इस पंच के द्वारा ही हम डॉट लगाने का काम करते हैं। ये पंच हाई कार्बन स्टील का बना होता है, बना करके इसके पॉइंट को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। एक चीज और हम स्पष्ट कर दें आपको, हमने बताया कि इसका पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है, कितना होता है 60 डिग्री होता है। यह बात यहां से स्पष्ट होती है, आप देख रहे हैं कि इसका ये पोर्शन और ये पोर्शन निकुला है, जहां पर इसका पॉइंट है ये नुकीला है और यहां पर जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हम उसके पॉइंट को आसानी से मेजरमेंट ना कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पर या तो काल्पनिक रेखा खींच लेंगे या उसके पॉइंट के अनुसार कोई दूसरी तिर्यक रेखा खींच लेंगे। अब यह स्पष्ट हो रहा है कि यहां पर एक एंगल बन रहा है जो 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। ऐसी कंडीशन पे हमारा शीर्षाभिमुख कोण बनता है। अगर यहां पे ये कोण 60 डिग्री का बन रहा है तो ये कोण भी हमारा कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। अगर ये कोण हमारा 45 डिग्री का बन रहा है तो ये कोण भी हमारा 45 डिग्री का बनेगा। इसी सिद्धांत पर हम इसके पॉइंट एंगल को मेजरमेंट करते हैं। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ये यहां पर शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, इसलिए अगर इस कोण की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो इस कोण की भी वैल्यू कितना होगी, 60 डिग्री ही होगी। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। सेंटर पंच दूसरा है हमारा, सेंटर पंच फिगर में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये फिगर हमारा सेंटर पंच का है। इसमें भी नर्ली किया हुआ पोर्शन आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो बॉडी है, आगे का पोर्शन हमारा पॉइंट है, और यहां पर ये इसका हेड दिखाई दे रहा है आपको। ये पंच भी हाई कार्बन स्टील का ही बनता है और इसका पॉइंट एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है।
कितने डिग्री का होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, अक्सर एग्जाम्स में सारे पंच के पॉइंट एंगल आपसे पूछे जाते हैं। जनरली आपसे डार्ट पंच, प्रिक पंच और सेंटर पंच, ये तीन पंच के पॉइंट एंगल पूछ लिए जाते हैं। तो सेंटर पंच का पॉइंट एंगल हमारा कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। अब इस पंच का प्रयोग हम क्या करते हैं, जब हम जाल की सरफेस पर मार्किंग करते हैं उस समय वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जितनी भी रेखाएं खींचते हैं वहां पर कॉर्नर्स बनते हैं। इन कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए हम सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं, और दूसरी जगह हम जब ड्रिल के द्वारा, ड्रिल बिट के द्वारा, ड्रिल मशीन के की सहायता से जब हम किसी जाब की सरफेस पर होल करने का काम करते हैं उस समय ड्रिल बिट के पॉइंट को स्थान देने के लिए हम वहां पे सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। इससे एक लाभ यह होता है कि ये ड्रिल का जो पॉइंट होता है, ये पोर्शन जाब की सरफेस पर जब हम यहां पे पॉइंट कर देते हैं उस स्थिति में जाकर के अच्छी तरह से बैठ जाता है, और ड्रिल बिट को ये पॉइंट जो है रन आउट होने से बचाता है, और आसानी से हम अपना जो है होल कर लेते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट हमारा है प्रिक पंच। डार्ट पंच के बारे में आपने पढ़ा, सेंटर पंच के बारे में आपने पढ़ा, और नेक्स्ट नंबर तीसरा है ये प्रिक पंच। प्रिक पंच का उपयोग हम डार्ट पंच की ही तरह से करते हैं। इसके द्वारा जो पॉइंट्स बनते हैं थोड़ा से गहराई में बनते हैं। डार्ट पंच की अपेक्षा प्रिक पंच के द्वारा जो भी हम डॉटेड या मार्किंग करते हैं वो डार्ट पंच की अपेक्षा थोड़ा से अधिक गहराई में बनते हैं, और इसका पॉइंट एंगल जो होता है 30 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि डार्ट पंच भी एक, प्रिक पंच भी एक तरह से हमारा डार्ट पंच ही है। केवल अंतर इतना है कि डार्ट पंच का पॉइंट एंगल 60 डिग्री होता है और प्रिक पंच का पॉइंट एंगल 30 डिग्री होता है। डार्ट का 60 और प्रिक का 30 डिग्री होता है। इसका पॉइंट जो होता है डार्ट की अपेक्षा थोड़ा से शार्प होता है, और इस पंच का उपयोग जो होता है बहुत मुलायम धातु पे करते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, पीतल हो गया, इस तरह से जो मुलायम धातुएं हैं वहां पर इस पंच का प्रयोग करते हैं। और जब हम डिवाइडर के द्वारा मार्किंग करते हैं अर्थात चाप लगाते हैं या फिर सर्किल खींचते हैं उस समय इस पंच के द्वारा हम डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए पंच करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑटोमेटिक पंच, नंबर 4 है हमारा ऑटोमेटिक पंच। नाम से ही विदित है कि यह ऑटोमेटिक काम करता है, अर्थात जब पंचिंग करना होता है उस समय इसके हेड पर यहां पर हैमर के द्वारा चोट लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें जो इसकी स्लीव दिखाई दे रही है इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है, एक स्प्रिंग के सिद्धांत पे ये काम करती है। यहां पर एक शिफ्टर लगा होता है जिसको नीचे दबाने के बाद स्प्रिंग इसके पॉइंट पर चोट करती है और हमारा मार्किंग का काम हो जाता है।
और इस पंच का उपयोग मास प्रोडक्शन में अर्थात काम को आसानी से या शीघ्रता से करने के लिए हम सरलता से करने के लिए इस पंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हालो पंच, नंबर पांच है हालो पंच। हम अपने घरों पर या वर्कशॉप में देखते हैं कि वहां पर होल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए अगर बेल्ट की फास्टनिंग करनी हो अर्थात बेल्ट के दो पॉइंट्सों को आपस में जोड़ करके ड्राइवर पुल्ली की पावर को ड्रिवन पुल्ली पर जब ट्रांसमिट करनी होती है तब वहां पे हम बेल्ट का प्रयोग करते हैं और उस बेल्ट के एंड सिरे को आपस में बेल्ट फास्टनर के द्वारा फास्टनिंग करने के लिए जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं हालो पंच का प्रयोग करते हैं। हालो पंच का प्रयोग कैनवस सीट पर रबड़ पर या चमड़े की सीट पर होल करने के लिए किया जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि इसकी परिधि जो है शार्प होती है मतलब इसके पॉइंट पर परिधीय छिद्र पाया जाता है और वो परिधि जो होती है इसकी शार्प होती है। इसी पॉइंट्स के द्वारा हम सीट को काटने का काम करते हैं और इस पॉइंट्स के द्वारा कटा हुआ जो सरप्लस मेटल होता है वो आप देख रहे हैं कि इसकी बॉडी में एक लंबाई में छिद्र किया हुआ है। इस छिद्र से होकर के सरप्लस मेटल जो है हमारा बाहर निकल जाता है और हम अपने काम को आसानी से फिनिश कर लेते हैं। तो इस तरह से नेक्स्ट इसका है पिन पंच, नंबर छह पर है पिन पंच। इसका फंक्शन क्या है आप देख रहे हैं ये एक पिन को क्या कर रही है बैठा रही है। पिन पंच का प्रयोग पिनों को सेट करने के लिए किया जाता है और अक्सर आप जानते हैं कि जब रिवेटिंग की जाती है उस समय रिवेट को लगाने से पहले दोनों प्लेटों को कहिए या फिर जिन दो भागों को आपस में जोड़ना होता है उन दोनों भागों में पहले से ही होल कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम होल बनाने के लिए पिन पंच का ही प्रयोग करते हैं ताकि रिवेटिंग सही ढंग से हो सके। नेक्स्ट है बेल पंच। फिगर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक बेल पंच का पिक्चर है। इस पंच में भी पॉइंट की तरफ एक परिधीय होल दिखाई दे रहा है और जिसके सेंटर में एक पंच लगा हुआ है। ये इसकी बॉडी है जो नर्लिंग की हुई है और यहां पर इसका हेड है जहां पर हम हैमर की चोट लगाते हैं। इस पंच का प्रयोग हम किसी गोलाकार जाब का सेंटर निकालने के लिए करते हैं क्योंकि जो गोलाकार जाब होता है उसके चारों तरफ ये परिधीय होल जो है अच्छी तरह से बैठ जाता है और जब भी ये आप यहां से
स्ट्रोकिंग करते हैं, इसका पंच उसके सेंटर में पॉइंट कर देता है, इस तरह से उस जाब का सेंटर हमको पता चल जाता है। नेक्स्ट है सॉलिड पंच। सॉलिड पंच का प्रयोग रफ कार्य के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट जो है शार्प नहीं होता है, अन्य पंचों की तुलना में सॉलिड पंच का पॉइंट जो है शार्प नहीं होता है, और इस पंच के द्वारा भी हम किसी प्लेट में या फिर किसी रिबेटिंग के समय, यहां भी रिबेटिंग के समय जब रिबेट लगाने के लिए होल बनाने की आवश्यकता होती है, उस समय भी हम इस पंच का उपयोग कर लेते हैं। ज्यादातर इस पंच का प्रयोग कारपेंटर या फोर्जिंग में किया जाता है। नेक्स्ट है नंबर पंच। नंबर पंच और लेटर पंच, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, नंबर पंच है और ये लेटर पंच है। आपको पता है कि अंग्रेजी में लेटर्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, इंग्लिश में लेटर्स 26 होते हैं, और अंक जो हमारे होते हैं 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, 0 से 9, और ये लेटर्स जो होते हैं 26 होते हैं। तो ये जो है नंबर पंच हमारा है 0 से 9 तक होता है, इस तरह से ये 9 पंच का एक सेट होता है। इसका प्रयोग जहां भी नंबरिंग करने की आवश्यकता होती है वहां पर हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। जो इसका पॉइंट है ये हार्ड और टेम्पर होता है। इसका प्रयोग करते समय ये ध्यान होना चाहिए कि इसकी सामर्थ्य से अधिक सामर्थ्य वाली धातु पर पंचिंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा इसकी नंबरिंग यहां से समाप्त हो सकती है। और इसमें क्या है, लेटर्स तो होते हैं हमारे 26, इसमें एक बटन, एक पंच और अधिक होता है एंड। एंड पंच को मिला करके ये टोटल हो जाते हैं हमारे 27। इस तरह से ये 27 पंचों का एक सेट होता है और ये 9 पंचों का एक सेट होता है, जिसका प्रयोग वर्कशॉप में या फैक्ट्रियों में नंबर को पंच करने के लिए या नाम को लिखने के लिए, दोनों सेटों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसका प्रिकॉशन। प्रिकॉशंस मीन्स होती है सावधानियां। पंच का प्रयोग करते समय हमको किन किन सावधानियों की आवश्यकता होती है, तो सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जो पंच हमारा होता है उसका पॉइंट शार्प होना चाहिए, तेज होना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से पंचिंग कर सके। नेक्स्ट है कि हैमरिंग करते समय उसका हेड जो है फैल जाता है। इस स्थिति में वर्कर को या कारीगर को चोट लगने की संभावना अधिक होती है। ऐसी या ये कह सकते हैं कि ऐसे फैले हुए हेड को हम क्या कहते हैं, मशरूम हेड कहते हैं। तो जब हमारे पंच का हेड मशरूम हो जाता है तो उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना चाहिए, और पंच के प्रकार के अनुसार, पंच के प्रकार के अनुसार ही हमें हैमर का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरह का पंच है जितनी चोट मारने की आवश्यकता है उसी तरह से हमको हैमर का चुनाव करना चाहिए। और पंच के द्वारा जो हम डॉटेड लाइनें लगाते हैं, जैसे यहां पे आप
लाइने के ऊपर पंचिंग करते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है 3 से 5 मिलीमीटर, कितना 3 से 5 मिलीमीटर के बीच होना चाहिए। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की डिस्टेंस जो होती है 3 से 5 मिलीमीटर होनी चाहिए। और पंच का प्रयोग करने के बाद इसको किसी उचित स्थान पर हॉरिजॉन्टल स्थिति में रख देना चाहिए, वर्टिकल स्थिति में नहीं रखना चाहिए। इस तरह से ये टॉपिक्स आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।